नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मुंबई इंडियन और दिल्ली की टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट देना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आईपीएल 2019 की एक और बड़ी खबर के बारे में, बढ़ते हैं आगे। तीसरा मुकाबला आईपीएल 2019 मैच के बारे में बात करते हैं। 24 मार्च को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मैच खेला गया, जिसमें दिल्ली ने 37 रन से जीत ली है। मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए। टारगेट का पीछा करते हुए मुंबई ने 19.2 ओवर में 176 रन बना पाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली को पृथ्वी शॉ के रूप में जल्द शुरुआती झटका लगा। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर भी महज 16 रन बनाकर चलते बने। कॉलिन और ऋषभ पंत ने इसके बाद दिल्ली को संभाला। इंग्राम ने 32 गेंदों में 47 रन बनाए, जबकि पंत ने 27 गेंदों में 7 छक्कों और 7 चौकों की मदद से नाबाद 78 रन कूट डाले। दिल्ली ने पंत की इस पारी के दम पर विशाल स्कोर खड़ा किया। मुंबई की ओर से मिचेल को 3 सफलताएं हाथ लगी। इसके अलावा बुमराह, हार्दिक पंड्या, बेन कटिंग को 1-1 सफलता हाथ लगी। मुंबई को रोहित शर्मा के रूप में पहला झटका लगा। रोहित 13 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके बाद सूर्य कुमार यादव 2 और क्विंटन डी कॉक 27 पर चलते बने। हालांकि युवराज सिंह दूसरे छोर पर टिके रहे और इस दौरान किरोन पोलार्ड 21 ने उनका साथ निभाया। युवराज 35 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा कृणाल पंड्या ने भी 32 रन बनाए। चोटिल होने की वजह से जसप्रीत बुमराह बल्लेबाज के लिए नहीं आ सके और मुंबई को मैच गंवाना पड़ा। तो कैसी लगी ये खबर कमेंट करके जरूर बताएं, अपने फेवरेट प्लेयर के बारे में भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी आज की ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट देना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की रोचक और मज़ेदार जानकारियों और ख़बरों के लिए द न्यूज़ टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।